हे गाइस गुड मॉर्निंग। और जलंधर से हम अब पहला सफर है जो ई रिक्शा से कर रहे हैं कपूरथला के लिए। हम लोग अभी बस स्टैंड जा रहे हैं, वहां से फिर बस मिलेगा, उसके बाद आगे का वीडियो दिखाऊंगा आपको। और हम लोग अभी फर्स्ट जर्नी कर रहे हैं जो ई रिक्शा जलंधर, यहाँ पे जलंधर सिटी से। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. So guys, अभी हम जलंधर बस स्टॉप पहुंच चुके हैं और यहां से पकड़ेंगे बस बलरामपुर जी। एक्चुअली गाइस इस बस स्टॉप पे आए हैं लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे सब पंजाबी में लिखे हुए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तो सबसे पहले हम चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर सोचेंगे हमको जाना कहाँ पे। चलिए थोड़ा चाय पी लेते हैं। अंकल नाश्ते में क्या क्या मिलेगा? नाश्ते में क्या क्या मिलेगा? पराठे, आलू पराठा। ओह, आलू पराठा। ये क्या है? छोले भटूरे। अच्छा, ये कैसे प्लेट देते हैं? 30 रुपए। तो गाइस हम अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पे आलू पराठा और छोले कुलचे हैं, और हमारे सामने हमारे पास्टर जी हैं और उनके पूरे फैमिली। चलिए अंदर जाते हैं, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। दोस्त अगर कभी जलंधर आते हैं तो यहाँ पे खाने के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है। क्योंकि हम लोग, मैं रात में वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग आके थक गए थे, और हमको जो मतलब जो भी मिला, क्या बोलते हैं, पराठा, आलू पराठा, छोले कुलचे, वो खा के सो गए थे। और अभी यदि यहाँ पे आते हैं तो आपको लस्सी वगैरह पीने को मिलेगा, और खाने में तो बहुत अच्छा, मतलब हर चीज़ में स्वाद रहता है। तो अगर कभी आते हैं तो एक बार टेस्ट, पंजाबी टेस्ट जरूर चेक करके देखिए, टेस्ट कीजिए। हमारे नितिन भाई हैं जो साथ में हैं हमारे ब्लॉग। अगर पंजाब में अगर आलू पराठा नहीं खाए तो ये ब्रेड खाना पड़ेगा आपको, ऐसा। तो फिलहाल तो हम अपने दोस्त के पास जा रहे हैं जिनसे मिलने आए हैं, अब वो हमसे बने रही 18-20 किलोमीटर, मतलब एक घंटे का रास्ता है। ई रिक्शा में जा रहे हैं ना, बस में भी जा सकते हैं। आलू पराठा, ये पंजाब का आलू पराठा है, और खाने में जो मजा है, हाँ हाँ हाँ। तो गाइस सभी हम बस में बैठ चुके हैं कपूरथले के लिए, और यहाँ से हम निकल रहे हैं अपने दोस्त के घर के लिए, और देखते हैं कितना समय लगता है। शायद यहाँ से कुछ 17-18 किलोमीटर है, तो बाकी वीडियो आगे का दिखाएंगे क्योंकि ज़्यादा यहाँ के बारे में हमको मालूम नहीं, इसलिए वीडियो उतना शूट नहीं करेंगे। लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो आधा घंटा हो सकता है। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में, दिखाएंगे आगे का वीडियो। अंकुश आ जाओ।
तो गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे कपूरथला बस स्टैंड में। हो जाएगा वेलकम टू कपूरथला बस स्टैंड। कपूरथला आई कपूरथला कपूरथला है आ जाओ। तो गाइस यहां तक का हमारा खास जर्नी था जो कपूरथला हमारे दोस्त के पास जाने के लिए, और कुछ खास वीडियो हम आपको दिखाएंगे आगे जाके। और ये हमारे दोस्त बिहार पुलिस भाग चल रहा है। जय मसीह कैसे आइए हरप्रीत भाई, आपका फोटो आगे। हरप्रीत भाई अभी कौन सा गांव आएगा, मतलब कौन सा कहाँ जाना पड़ेगा? और अभी कितना दूर जाना पड़ेगा यहाँ से? नहीं मतलब आपका गांव? एक घंटा तो लगेगा। एक घंटा मतलब 500 के ऊपर ही है ना, अभी जब रुक रुक के गया तो फिर। हाँ हाँ बराबर। नहीं यहाँ से और दूर है। हम बोल गए कपूरथला। अरे भाई मतलब यहाँ से आने के बाद अभी और एक घंटा का सफर करना पड़ेगा। जलंधर से हम कपूरथला पहुँचेंगे आगे से केरला लोकल बम्बई। अरे है ये छत्तीसगढ़ क्या, मैं कर्नाटक के मुंबई में केरला। हाँ लेकिन सब मुंबई में रहते हैं। मुंबई में पंजाब घूमने के लिए आए। हाँ जिससे हम आ शायद इसमें जाना पड़ेगा, अभी एक घंटा का सफर और है। वो तुम्हारा निकल जाएगा लेकिन उसका नहीं निकलेगा। अरे पर मार दिया।